मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के मौके पर कहा कि शिक्षक को नवाचार पर काम करना चाहिए, पढ़ाई के आसान तरीके के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, वे स्कूल का वातावरण आध्यात्मिक बनाने पर भी उन्हें काम करना चाहिए, आत्मनिर्भरता दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के 41 शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया है, इसमें पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनके अनुभवों का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति में श्रद्धा का भाव जरूरी है, जिसमें यह भाव ना हो ज्ञानी नहीं हो सकता है। हमारे जिन शिक्षकों ने अपने उत्कृष्ट कार्य से आज उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुछ नया करके शिक्षा की गुणवत्ता को और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए योगदान दिया है, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों को जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। इस महान शिक्षक को जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा एक लंबे समय तक दी। जो उत्पन्न विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारतीय दर्शन पर लिखी गई डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक भारत के शास्त्रों के मर्मज्ञ को बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम सबको बताने का कार्य करती है।